उत्तराखंड की तीरथ सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों के बारे में मीडिया को बताया। वहीं सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरा होने पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन कोविड के कारण उत्तराखंड में पर्यटन शुरू नहीं हो पा रहा है और इसे भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। वो जल्दी से ही कुछ काम इन 2-4 दिनों में दिखाई देंगे, इन 2-3 महीनों के अंदर वो सारे काम दिखेंगे हर क्षेत्र में। साथ ही हमारा प्रयास है कि यहाँ का पर्यटन, यहाँ का तीर्थाटन, ये हमारा अर्निंग का ये नहीं तो पूरा देश और दुनिया का भी व्यक्ति आता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय यात्रा इस कोविड के कारण हम लोग अभी नहीं खोल पा रहे हैं। जैसे ही समय आएगा, स्थिति और ठीक हो जाएगी, तो धीरे धीरे ईश्वर भी बढ़ेंगे। इसके कारण हमारे बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, अन्य कारोबारी, व्हीकल वाले अपने ट्रेवल्स, उन पे बड़ा असर पड़ा है। इवन सभी पे पड़ा है, बिजनेसमैन पे, सभी पे पड़ा, मार्केट बंद है, सब तरह का है। लेकिन उसको उभारने का काम और उससे कुछ ना कुछ इन दिनों छूट भी मिले, टैक्स में है, वहाँ के जो उनके कर्मचारी हैं वो भी हमने किया है, किस तरह का उनको छूट देनी है, मदद करनी है, ये हमने किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तराखंड राज्य को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से की गई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सड़क से लेकर के पानी, बिजली, ऊर्जा मंत्री जी से लेकर सबसे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि तेरा जो कुछ चाहिए उत्तराखंड के लिए मेरी ओर से कोई कमी नहीं है। और उसी का परिणाम मैंने कहा कि मंत्री लोगों ने खुले दिल से और पूरी तरह हमारी झोली में डाला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कई अहम फैसले लिए। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान 4500 लोगों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस कर दिया है। वहीं लंबे समय से जिन जिला विकास प्राधिकरणों की मनमानियों से लोग परेशान थे, उन्हें भी स्थगित कर दिया है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।